देखो लेक्चर 16 है पेडल ड्राइव, कल ही एक एक टॉपिक है, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? देखते चरण बोलेगा साथ में ये बता दो, बहुत धीरे धीरे करना है ये टॉपिक। कौन बोलेगा साथ साथ में? नाम बोलो बच्चे और थोड़ा तेज बोलो। सर मैं बोलूं मनीष। अर्नब तुम बोलो आज। ओके सर। चलो चलो एक चीज देखते हैं। व्हाट इज आप पेडल ट्राइंगल? पेडल ट्राइंगल होता क्या है? आप देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है? अब सर एडी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एडी, एडी क्या है? ऑल्टीट्यूड और बीई भी क्या है? ऑल्टीट्यूड। और सी एफ भी क्या है? ऑल्टीट्यूड, ठीक है? यस सर। तो ये जो ट्राइंगल बना डी ई एफ, डी ई एफ ट्राइंगल जो है इसको बोलते हैं पेडल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? पेडल कोई डाउट है इस चीज में अभी तक जो बताया? बहुत धीरे धीरे करेंगे। ट्राइंगल अच्छा अब हम ये देखते हैं, चलो ये वाली बात खत्म हो गई। अब हमें ये बताओ बच्चे, मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। हमने लिया इसको, हम मार्क कर देते हैं इसको एच बोल, ठीक यस है? सर। एफ एच डी बी, देख लो फिगर समझ आ रहा है? एफ एच डी बी, यस सर। ठीक है? इसको मैं बोल रहा हूं इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यस सर और अज्यूम नो? किया नहीं। हाँ हो जाएगा। यस सर है कैसे? हाँ सर। एंगल बी एफ डी भी 90 डिग्री है और फिर एंगल बी डी ए भी 90 डिग्री है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर एंगल बी एफ एच डी जो बी एच एफ बी एफ जो है बी एफ एच वो 90 डिग्री है एंड सर एंगल बी डी एच जो है वो भी 90 डिग्री है तो उन दोनों का सम जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। तो तो इसका मतलब ये क्या है आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो। ये समझ आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, यस सर। साइक्लिक क्वार। अच्छा अब मेरे को ये बता, ई एच डी सी, मैं ये बोल रहा हूँ इट्स आल्सो अ पेडल ट्रा, इट्स आल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस सर। ठीक है? इसमें कोई डाउट हो? नहीं सर। चलो अब एक चीज देखते हैं, इसको समझेंगे। मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज दिस एंगल? सर 90 माइनस एंगल बी डी ए डी बी ए। 90 माइनस एंगल बी लिख दूं? यस सर। 90 एंगल दिस, अगर मैं बोलता हूं बी ए डी एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल बी, एंगल बी, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा व्हाट इज दिस एंगल? सर ये वाला हो जाएगा सर ये इसको एएसपी से कट देंगे उस ट्राइंगल के मतलब एंगल बी नाइन्टी एच ए। माइनस एंगल ए लिख दूं? हाँ सर नाइन्टी 90 माइनस एंगल माइनस ए। यस बी सर। ए डी ई, 90 माइनस एंगल ए, सर कोई आप डाउट है? एबी एच की बात कर रहे थे या एबी ई? ए बी एच या ई ए की बात हो गई ना एंगल?
एक ही बात है, यस यस ठीक है। चलो अब ये चीज ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे कि तो चलो ये वाला एंगल किस तरीके से पता लगता है, ये वाला सर सर हमारे पास एंगल बी डी एच, सर एंगल बी डी एच है तो हम वहीं से निकाल सकते हैं 90 माइनस एंगल डी एच में। नहीं मेरे को एंगल ए बी सी की फॉर्म में चाहिए। अच्छा 90 माइनस सी। ये कौन सा एंगल बोला बच्चे आपने, एच बी डी बोल दो एंगल, सही है? यस सर। कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। अच्छा कोई एक चीज बता, इससे ये वाला एंगल जो मैंने ग्रीन से मार्क किया वो कितना है, कोई बता दे। बोलेगा कोई? चलो ये फोन कर दो। 90 माइनस एंगल है। यस। क्यों, किसने बताया 90 माइनस एंगल है? सर ट्राइंगल क्यों होगा? बी के कौन सा एंगल, देखो एफ बी एच इज इक्वल टू एंगल सर एफ डी ए हो जाए, एफ डी एच क्यों, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द साइकिल क्वाड्रिलेटरल इज सेम। सर मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया, एफ डी ए वाला, एफ डी एफ डी ए जो भी आपने 90 माइनस से बताया। अच्छा चलो दोबारा कर, ये अभी तक मैं इसको थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर रहा हूँ और देख। देखो बच्चे ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा करता अभी तक बात समझ आई है, वही है ना? यस सर। चलो अब मैं थोड़ा सा अलग देखो, व्हाट इज दिस एंगल जल्दी बता अनीश। सर ये वाला 90 माइनस है। चलो सही है। यस सर। अब ये बता, ये जो था ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? है सर। तो FH अगर सेम क्वाड है, ये वाला एंगल जो था और ये वाला एंगल जो है, दोनों क्या हो गए? सर्कल में हाँ सर, दिख गया, दिख गया, दिख गया सर, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। यस। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो व्हाट इज दिस एंगल? 90 माइनस है। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। चलो इतनी बात समझ आ गई। आप ये बता, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? सर ये भी 90 माइनस होना चाहिए ना। ये देखिए एक मिनट। अच्छा ये वाला एंगल बता कितना है? सर 90 माइनस बी, 90 माइनस ए। ट्राइंगल देखना सी एफ, ए सी एफ ट्राइंगल है, 90 माइनस ए।
ये भी एंगल कितना हो गया सेम क्वाड वाला 90 माइनस ए. तो अब ये एंगल डी जो है डीएच जो है डीएच मैं लिख सकता हूँ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी. यस और नो? यस सर. ठीक है ये बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा अब ये 90 अगर एंगल डी कितना हो गया वैसे एंगल डी कितना हो गया 180 माइनस 2 है. कोई डाउट है इस चीज में? नो सर. चल इसमें अगर डाउट नहीं है अब इसको ढंग से सुनियो 180 माइनस 2 है और ये चीज अब भी एक बार ही देख ले इसे दोबारा सारी चीज समझ आ गई है यस और सर? आ गई. चलो किसी और को तो डाउट नहीं है ना इस चीज में अभी तक? बोलो. चलो आप देखते हैं. अब सबसे पहली चीज पेडल ट्रायंगल की साइड निकालनी है और दूसरी चीज निकालनी है एंगल साइड और एंगल निकाल. तो एंगल तो समझ आ ही गया. एंगल डी किसके बराबर है? 180 माइनस 2. और एंगल ई किसके बराबर आएगा वैसे ही अगर देखा जाए तो? 180 माइनस 2 बी. और एंगल एफ किसके बराबर आएगा? 180 माइनस 2 सी. कोई डाउट है? नो सर. अब चलो एंगल आ गया. ये एंगल शुड बी नोटेड ढंग से नोट कर लेना. अब दूसरी साइड निकालनी है या तो डी या ई एफ या डी एफ साइड निकाल. इतनी बात में किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक? मैं रब कर रहा हूं एंगल इसलिए बोल. गर्व कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी तक? नहीं सर. उज्जवल कोई डाउट तो नहीं है? वो सर. चलो आप देखते हैं. आप साइड निकाल. उससे पहले एक प्रॉपर्टी और बना लेते हैं. अच्छा डीएच जो है वो किसका एंगल बाइसेक्टर है? सर एंगल एफडीई. एंगल डी बोल देते. ठीक है ना? ओके सर. अगर डीईएफ का जो एच पॉइंट है डीईएफ ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल के लिए जो एच पॉइंट है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है? यस सर. यस. तो एच हैज टू बी द इन सेंटर ऑफ डीईएच. एच क्या है? इन सेंटर ऑफ डीईएफ. यस और नो? यस सर. और H जो है अगर ABC ट्राइंगल के लिए देखते हैं कौन से ट्राइंगल के लिए? सर ABC. H जो है वो ऑर्थो सेंटर. यस और नो? यस सर. यस सर. तो इसका मतलब हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इन सेंटर ऑफ पेडल ट्राइंगल. कोई डाउट? नो सर. समझ आई है बात? यस और नो? यस सर. चलो अब इसको ढंग से नोट कर लिया. दूसरी बात एक चीज निकल गई एंगल और दूसरी चीज क्या निकली है? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इन सेंटर ऑफ पेडल ट्राइंगल. कोई डाउट? चलो अब दूसरी चीज देखते हैं. अब मेरे को साइड निकालनी. अब मेरे को क्या निकालना है? साइड. साइड ऑफ पेडल ट्रायंगल कोई भी साइड बोल दो ले लेते हैं. हम निकालने के लिए क्या करते हैं? हमें निकालनी है डीएफ साइड. हमें क्या निकालनी है? डीएफ साइड. चलो
अब डी एफ के, अच्छा अब ये बता सकते हो बी डी साइड किसके बराबर है? अच्छा कोई बोलेगा मेरे साथ, गर्व बोलेगा? यस सर। ये साइड जो होगी वो सी होगी? यस सर। मैं ऐसे बोलता हूँ, ट्राइंगल अगर ले लेता हूं मैं ए डी बी, तो मैं बोल सकता हूँ क्या होता है कॉस बी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी, दैट इज बी डी अपॉन सी। यस सर, तो बी डी आ जाएगा सी कॉस बी। कोई डाउट है सी कॉस बी में बी डी की वैल्यू में? नो सर। अच्छा अब मैं मेरे को बस सिंपली ये बता दे, ये वाला एंगल पता लगा सकता है सर? कहाँ पे मार्क किया आपने? मैं मार्क कर रहा हूँ दोबारा से येलो से, नहीं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। अरे यार ये वाला एंगल, यस सर, ये वाला एंगल कितना होगा? एक मिनट जब मैंने कुछ गड़बड़ कर, ये वाला एंगल नहीं, अब मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो देखो, ये वाला है, समझ आया? यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा? ये देख, ये वाला एंगल कितना है बता सर? ये वाला एंगल 90 माइनस 90 माइनस 90, यस सर। और ये एंगल सी आ गया? यस सर। ये भी एंगल सी आ गया सर? ये वाला एंगल सी कैसे हुआ? ये एंगल 90 माइनस सी है। एक मिनट सर, एंगल बाइसेक्टर होता है ना ये, एफ का एंगल बाइसेक्टर होगा ना? यस सर। यस सर। तो ये एंगल सी हो गया, हाँ या ना? यस सर। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा बीडी के अपोजिट, बीडी के अपोजिट लेंथ क्या है बता, एंगल क्या है? सी है। ट्राइंगल जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ बी एफ डी। बी एफ डी, यस सर। ठीक है, बीडी के अपोजिट एंगल कौन सा है? साइन सी। यस सर। साइन सी क्यों लिया? साइन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अच्छा सर। और अब मैं लिख रहा हूं सीडी के नीचे, सीडी के नीचे लिखूंगा साइन बी, सही है सर? एक मिनट, इसके अपोजिट तो बी एफ डी ट्राइंगल जो है वो ये। हाँ तो बी एफ डी लिया है ना? अच्छा सी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एफ 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 डी एफ डी एफ डी बोल रहा हूँ, सॉरी। यस सर। सही है एफ डी क्या? ये समझ आ गई बात, हाँ या ना? यस सर। बी डी किसके बराबर है सर? बी डी है सी कॉस बी, और नीचे साइन साइन सी इजी, और साइन बी। ठीक है, यस सर। सी किसके बराबर होता है? टू आर, टू आर साइन सी, टू आर साइन बी कॉस बी बच गया ऊपर। यस सर। तो टू आर साइन बी क्या होता है? बी 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 कॉस बी इज इक्वल टू एफ डी। चलो एक साइड आ गई, एफ डी की साइड की लेंथ कितनी आ गई? बी कॉस बी। अब एफ डी के पास कौन सा एंगल था? बी, ये वाला। अब मैं पूछता हूँ डी ई की लेंथ क्या होगी? डी ई की सर सी कॉस सी। अच्छा चलो अब डी ई आ गया, अब ई एफ की लेंथ क्या होगी सर? ई एफ का, ये सर ई एफ की होगी सर ए कॉस ए। तीनों लेंथ समझ आ गई,
साइड्स ऑफ ट्राइंगल समझ आ गया? यस सर। अब हमें क्या क्या चीज समझ आ गई? तीन चीजें बोल, एंगल क्या होता है सर? एंगल, एंगल डी क्या होता है सर? ये होता है 180 माइनस 2a। अच्छा, अब साइड df किसके बराबर होती है सर? df होगी b cos b। चलो, अब एक और चीज प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी? इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर। सर ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्रायंगल। कोई डाउट है अभी तक? नो सर। चलो, अब हम ये देखते हैं सर, एक मिनट, आप नेक्स्ट पे। हाँ, नोट कर ले। हो गया सर। चलो, एक मैं थोड़ा सा रबी कर लो सर। हमारे को सारे डेरिवेशन याद रखने की, सिर्फ फाइनल रिजल्ट जो है वो याद रखना है बच्चे। इसके लिए ये जो चीज है ना, डेरिवेशन आप जो करवा रहा हूँ मैं, अब वो वाला लिंक ले रहा हूँ जो तुम पूछ रहे थे, फॉर्मूले आए कैसे, तो उस चीज को लेना पड़ रहा है। रीजन ये है, जो ये जो टॉपिक है ना, इसके लिए डेरिवेशन इम्पोर्टेंट, इसकी चीजें आएंगी, काम आएगी। चलो, अब इतनी बात समझ आ रही है यहां तक? अभी तक जो दिख रहा है समझ आ रहा है? चलो, अब दोबारा से सुनना। कौन बोलेगा? अर्णव बोलेगा? चलो, कृष्णा बोलेगा? हाँ सर। सर्कम रेडियस बोलना है ऑफ पेडल ट्राइंगल, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है पेडल ट्राइंगल का? सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। यही होता है ना? अच्छा, हाँ सर, हाँ कोई भी साइड बता, इसके हिसाब से जो बनेगा आर डैश जो बनेगा, एक साइड हो गई एफडी, एफडी हो गई साइड, और उसके अपोजिट एंगल जो है वो एंगल है ई। कोई डाउट है? नहीं सर। एफडी की लेंथ कितनी है? एफडी की लेंथ बी कॉस बीटा। और ई एंगल किसके बराबर है? ई एंगल से बराबर है ये देखो सर, तो 180 माइनस 2b का 2b 2r sin b cos b, और नीचे क्या आया? 2 sin cosine 2b, सही है? हां सर। तो 2 sin b cos b, sin 2b होता है, sin 2 r डैश किसके बराबर हो गया? r के r by 2। अच्छा, समझो कि सब में 2 काट दिया मुझे लगा। तो इसका मतलब ये है abc ट्रायंगल का सर्कम रेडियस, रेडियस अगर r है, क्या है r है, तो पेडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस कितना होगा सर? उसका हाफ। बात समझ आई? हाँ सर। सही बात, नोट डाउन करो सर। नोट कर ले। हो गया सर? हो गया।
चल अब एक चीज और बोल कृष्णा, इन रेडियस का फॉर्मूला, इन रेडियस का क्या फॉर्मूला लगाऊं? इन रेडियस का फॉर्मूला था सर वो, बोलो क्या क्या फॉर्मूले थे सर, मुझे याद ही नहीं आ रहा। हाँ मुझे याद ही नहीं आ रहा। चलो मेरे हिसाब से ये था, वो भी था ठीक है, कोई भी लगा दो बच्चे, ये फॉर्मूला था कि नहीं उज्जवल? यस सर। चलो आर डैश आर कैपिटल आर डैश की वैल्यू तो आर बाई टू है, आर बाई टू। अच्छा ए एंगल जो है तीनों क्या क्या है सर? ये हो जाएगा ए बाई टू हो जाएगा 90 माइनस बी। यस सर, मतलब 90 माइनस ए 90 माइनस बी नाइन, साइन 180 माइनस 2c बाय 2। तो मेरे को लगता है r डैश कितना आएगा 2r, साइन 90 माइनस ए आ जाएगा cos a, cos b, cos b, cos c। सही है, यही होगा ना फॉर्मूला? यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। और कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? और कोई फॉर्मूला था हमारा? यस सर, मैं वैसे सोच रहा था एस माइनस टेन ए बाय टू। एस की वैल्यू पता नहीं है ना, इसमें दिक्कत ये आएगी तीनों को ऐड करना। सर वो हो जाएगा ना ए कॉस ए प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी बाय, मतलब ए कॉस ए प्लस, वो तो हो जाएगा बट। चलो और कोई चीज बताओ। नो सर, मतलब यही फॉर्मूला सबसे अभी सही है क्योंकि फिर एरिया भी नहीं पता। अच्छा यहाँ तक बात समझ आई है जो मैंने डेरिवेशन कराई है? यस सर। बच्चे होमवर्क ये है, इस पांचों चीजों को दो बार रिपीट करना तब मैं एक्सेंट्रल ट्रायंगल कराऊंगा। सही, इस इन पांचों चीजों को दो बार रिपीट कर। सही है, होमवर्क समझ आ गया? यस यस। जरा भी इसके आर वन आर टू आर थ्री भी निकालने बच्चे, वो अपने आप ट्राई कर लो। सर वैसे उनको निकालने की जरूरत है, मतलब काम आते हैं? बच्चे काम तो आ सकते हैं, 1% चांस तो होता है ना, हर चीज आ सकती है। ठीक है सर, आर वन आर टू आर थ्री थ्री वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ देंगे, फोर आर साइन बाय टू डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट। यस सर। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू।